आज पूरे प्रदेश में 71वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। चंबा में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन ऐतिहासिक चौगान मैदान में किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वन परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पंचायती राज मंत्री ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज पूरे देश सहित सुंदरनगर भी तिरंगे की रंगों में सरोबर रहा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस सुंदरनगर न्यायालय के लिए एक विशेष दिन रहा, क्योंकि पहली बार सुंदरनगर में स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तिरंगा फहराया गया। स्वार घाट में भी धूमधाम से मनाया गया उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वार घाट में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। ज्वालामुखी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक वॉइस पाठशाला में आज गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ज्वाला ने परेड की सलामी ली। नगरोटा भगवा के गांधी मैदान में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह में विधायक अरुण मेहरा ने की शिरकत और SDM शशिपाल नेगी भी वहां पे मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं गणतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हिमाचल प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और पिछले कल हमने स्टेटहुड का कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ पूरे प्रदेश भर में मनाया और मुझे इस बात की खुशी है कि स्टेटहुड के भी हमारे 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50वें वर्ष हमने अब की बात तय किया है कि स्वर्ण जयंती के इस दौर में इस वर्ष में पूरा साल भर हम कार्यक्रम करेंगे। हिमाचल तब से अब तक कहाँ पहुँचा, किन लोगों का योगदान रहा, इन सारी बातों का समावेश उसमें हो, उस दृष्टि से हमने एक योजना बनाई है और जो हमारा स्टेटहुड का कार्यक्रम पूरा साल भर हो उस दृष्टि से हम आगे कार्यक्रम करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल को और सम्मान मिला है। पिछली बार 3 लोगों को पद्मश्री मिला था और अब की बार हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए 2 लोगों को जो है वो पद्मश्री मिला है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखना, ऐसे बातों के लिए सारे लोग जात पात मत सबको भूलकर हमारा देश एक है, ऐसा गणतंत्र दिवस पर अच्छी जो है एक गुड गवर्नेंस का पालन करके आगे बढ़ाने के लिए विशेष करके हिमाचल प्रदेश काफ़ी विषयों में आगे बढ़ रही है और इस मौके पर विशेष करके युवा वर्ग को और सभी लोगों को ज़्यादा से भागीदारी होकर हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश और प्लास्टिक मुक्त हिमाचल प्रदेश बनने के लिए मैं आह्वान करता हूँ।